मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। अभी जस्ट शावर लिया है और बालों में ना ऑयल लगाया था, तो फिर बालों में ऑयल लगा लेते हैं ना मॉर्निंग के टाइम में, रात में लगा लो तो ठीक है, तो आप पूरी रात आपके बालों में ऑयल रहता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में ऑयल लगाते हो तो थोड़ा लेट हो जाता है शावर। तो आज काफ़ी लेट मैंने शावर लिया है। वैसे मुझे ऑयल कल रात में लगाना था, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई, कल इतना थक गई थी और थक हार के फिर सो गई, ध्यान भी नहीं रहा कि मुझे ऑयल लगाना है। मैंने एक या दो दिन पहले मेहंदी लगाई थी और मेहंदी के बाद मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि ऑयल लगाऊँ, अच्छे से मसाज करूँ हेयर की, एंड देन मैं शैम्पू से वॉश करूँ। तो मैं मेहंदी के बाद तुरंत ऐसे ही वॉश नहीं कर लेती शैम्पू से, मैं पहले अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ, उसे काफ़ी टाइम तक रखती हूँ ऑयल को। जैसे अगर आप पूरी रात रख रहे हो तो बहुत अच्छा है, और मैंने आज मॉर्निंग में लगाया था तो 4 to 5 hours मैंने लगा के रखा और फिर मैंने बाल वॉश किए। कल रात का जो काजल है वो अभी तक छूटा नहीं है, इसे छुटाना पड़ेगा। और काजल को परफेक्ट तरीके से छुटाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका होता है आप ईयरबड यूज करें, ईयरबड से जो काजल है वो तुरंत आसानी से छूट जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा काजल है ना वो बिल्कुल आराम से निकल जाता है। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आंटी को फ़ोन किया कि आंटी आप आज घर आएंगे, तो आंटी ने बोला हाँ मैं आज आऊँगी, वरना मुझे लगा था आज लगता है फिर से मेरी वाट लगने वाली है, फिर से मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। और मंडे तो वैसे भी हैक्टिक होता है, मंडे इतने सारे काम होते हैं और थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन चल रही है, तो जिसकी वजह से जब तबीयत डाउन होती है ना और ऐसे घर के काम मिल जाए तो और ज़्यादा आलस आता है। सुबह से पेट में इतना दर्द हो रहा है, कल भी मेरे काफ़ी पेट में दर्द था, लेकिन कल मुझे इतना ज़्यादा पेट में दर्द नहीं था जितना मुझे आज सुबह से हो रहा है। आज मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा था, तो मैं काफ़ी देर तो पहले लेट ही गई, वैसे भी मैंने ऑयल लगा रखा था तो ऐसा कुछ काम भी नहीं था, आंटी भी आ गए थे, खाना वाना बनाया और लेट गई थोड़ी देर। मैं इतने दिन से बालकनी में जो मेरे गमले हैं उनको पेंट करने की सोच रही हूँ, और संडे में मैंने प्रशांत को भेजा था कि वो मेरे लिए ब्रश ले आओ, ब्रश नहीं था मेरे पास एक्चुअली, और गमलों को पेंट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रश चलता है जो थिक हो, लेकिन आप देखोगे कि किस टाइप का ब्रश लेकर आए, इतना छोटा सा ब्रश लेकर आ गए। अब इस ब्रश से मैं क्या पेंट करूँगी, मगर मैं इस ब्रश से पेंट करने चलूँगी ना क्या कहते हैं गमलों पर, तो मुझे पूरा दिन लग जाने वाला है, वो भी एक गमले को पेंट करने में, आप समझ सकते हो। ऐसा ब्रश तो मुझे मेरे पास ऑलरेडी था, पता नहीं क्यों लेकर आया। आप देखो ऐसा ब्रश मेरे पास एक है ऑलरेडी, ये रहा ना सेम ऐसा ही ब्रश, ये दोबारा लिया है मैंने, कहा कि और दुकानों पर देख लिया होता तो, बस नहीं जो सबसे पहली दुकान थी बस मैंने उस पर देखा और मुझे लगा ये तुम्हारे काम आ जाएगा और ये अच्छा है, ये इसी से हो जाएगा। मैंने कहा यार हद करते हो यार, मतलब इससे कैसे मैं पेंट कर लूँगी, इससे तो मुझे पूरा दिन लग जाना है। सोचा था कि आज मैं आराम से बैठ के गमलों पे पेंट करूँगी, लेकिन आज भी नहीं हो पाएगा, अब मुझे जाकर ये खुद ही चेंज करना पड़ेगा और अपने मन पसंद का कोई ब्रश लेकर आऊँगी जिससे काम जल्दी हो, वरना इससे तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। और आज आपको ना बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि हमारे घर के पास ही एक घर में शादी है जिसकी वजह से सुबह से ढोल बज रहे हैं, और ब्लॉगिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों का फंक्शन है तो वो तो लोग शोर करेंगे, उनको शोर करना बनता है। तो यहाँ पर मैंने आज मॉर्निंग में बनाई थी भिंडी,
भिंडी की सब्जी बनाई है, कशिश की फेवरेट। और अगर आपको पता होगा कि भिंडी के साथ कशिश को क्या खाना पसंद है, कशिश को हमेशा भिंडी के साथ बूंदी का रायता चाहिए होता है। वो बूंदी के रायते के बिना भिंडी खाती तक नहीं है, हालांकि उसकी भिंडी इतनी फेवरेट है, लेकिन अगर मैं बूंदी का रायता ना बनाऊँ ना तो भिंडी बिल्कुल नहीं देखेगी। तो मैं उसके लिए बूंदी का रायता बनाने वाली हूँ भिंडी के साथ। पर साथ में ही मैंने सुबह ही ये जो ग्रीन प्याज थी जिसे मैं कल बनाने की सोच रही थी, कल तो नहीं बना पाई, मैंने ग्रीन प्याज आज बनाई है, तो ये रात में डिनर में काम आ जाएगी। दोनों सूखी सब्जियां ऑलरेडी रेडी हैं, इसके साथ बस रात में दाल बना लूंगी। आई होप आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो रहा हो क्योंकि बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही हैं। बूंदी का रायता भी प्रिपेयर करके रख देती हूँ, बूंदी में लास्ट में डालती हूँ, बस दही वही बना के रख दूंगी। जब कशिश आएगी तो बूंदी जो है मैं तुरंत के तुरंत डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, दही का उससे क्या होता है कि जो बूंदी का रायता है ना, बूंदी में एक क्रंच रहता है, तो रायता खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा मुझे लगता है और मेरी फैमिली को लगता है। पता नहीं, सब लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मुझे भी ठंडा लग रहा है इसीलिए मैंने ये डाला है, बहुत दिन बाद डाला है मैंने ये। पूरा लॉन्ग कुर्ती काइंड ऑफ है और इसके साथ मैंने पहनी हुई है अपनी जैकेट। मुझे पॉट को जो पेंट करना था वो बहुत पहले करना था, बहुत दिन पहले मेरे जो कलर्स थे वो आ गए थे, लेकिन मैं बीच में चली गई थी नैनीताल, और नैनीताल से आने के बाद जो और कामों में उलझ गई। और अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं मंडे में आज पेंट करूंगी, लेकिन आज भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इन लोगों को कोई काम पकड़ा हो ना तो बस ऐसे ही होने वाला है वो। माय गॉड, मैंने बूंदी डाल दी। आप लोगों से बात करते करते मैं भूल ही गई कि मुझे बूंदी बाद में डालनी थी। अब मैं और नहीं डाल ली, और मैं ना जब कशिश को सर्व करूंगी तब डालूंगी। बात मिल रही हूँ, अभी बज रहे हैं ऐसी 7:15। तो मैंने तो अपना लंच कर ही लिया था बालकनी में बैठ के, अच्छी अच्छी धूप आ रही थी, और जब कशिश घर पे आई तो मैंने उसे भी लंच वगैरह दिया और थोड़ी देर में लेट गई। और लेट के मैं थोड़ी देर बाद उठी हूँ, और उसके बाद प्रशांत आए थे तो उनको चाय वगैरह दी। और आज पता है, मुझे लगता है मेरे बनाए हुए खाने की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये जो प्याज की सब्जी बनाई है, मैं संडे में बनाने वाली थी आपको पता है, और आज जब मॉर्निंग में बनाई थी शाम के लिए, और ये शाम को भी काम में नहीं आने वाली क्योंकि प्रशांत बोल रहे हैं कि मुझे आज नॉनवेज खाना है। वैसे वो बहुत कम बोलते हैं नॉनवेज खाने को, मतलब वो इतने बड़े वाले शौकीन नहीं है नॉनवेज खाने के, लेकिन कभी कभी उनका दिल करता है, और वैसे भी उन्हें चिकन बहुत पसंद है, तो कभी कभी उनका चिकन खाने का दिल करता है खाली अकेले के, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ और वो अकेले के लिए चिकन इतना मंगाते नहीं है घर पर। कशिश उनका साथ देती है लेकिन बहुत थोड़ा सा खाती है, कशिश इतना शौक से नहीं खाती। तो प्रशांत जब भी उन्हें चिकन या मटन वगैरह कुछ भी इस टाइप का खाना होता है तो या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, या फैमिली में कोई खाने वाला हो तो उसके साथ खाते हैं, या फिर कभी कभार घर पे मंगा लेते हैं। तो घर पे मंगाना तो मतलब बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर, लेकिन आज उनका दिल कर रहा है चिकन मंगाने का, तो मैंने कहा चलो मंगा लो आप चिकन, चिकन खाने वाले हो ना आप। तो आज प्रशांत अपने लिए चिकन मंगा रहे हैं और कशिश भी उन्हीं के साथ खाएगी, और मेरे लिए ये प्याज आलू की सब्जी ऑलरेडी है तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे दाल वाल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज तो इन लोगों का डिनर हो गया है इस टाइप का, और मेरी जो प्याज आलू की सब्जी है फिर से फ्रिज में चली जाएगी, और मुझे नहीं लगता ये कल खाई भी जाएगी, ऐसे ही होता है। कल खा लो ना यार इसको, प्याज आलू को मैंने इतने मन से बनाए थे, इतने सारे मैं थोड़ी खाऊंगी, मुझे तो एक ही रोटी खानी है रात में। तो देखते कि वो तो पता नहीं ये लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो तो कल पता चलेगा। जब कोई चीज़ कभी कभी ना ऐसा होता है, तुम ऐसे मुहूर्त में कोई चीज़ बनाते हो कि उसका मुहूर्त ही नहीं निकलता है, मतलब
कभी कभी मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैंने कभी कोई ऐसी सब्जी बनाई और मैंने सोचा ये सब्जी हम लोग खाएंगे और फिर हमने उस दिन वो सब्जी नहीं खाई, फिर हमने सोचा शाम को खा लेंगे, फिर पता चलता है शाम को भी कुछ ऐसा प्लान हो गया कि वो शाम को भी नहीं खाई गई और फिर वो लास्ट में डस्टबिन में जाती है। आपके साथ होता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ी देर पहले एक कोरियर आया है और उसमें बड़े काम की चीज आई है, दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो कोरियर जो आया है। अब इसके अंदर क्या आया है ये ऑलरेडी मैं खोल चुकी हूँ। इसके अंदर बहुत ही काम की चीज है। इसके आने के बाद मुझे लगता है कि मेरी काम वाली अगर छुट्टी भी लेगी तो मैं दुखी नहीं होंगी। मैंने काम वाली का बंदोबस्त कर लिया है, जब काम वाली नहीं आएगी तो ये प्यारा सा पोछा मेरी हेल्प करेगा। ये है एक बकेट काइंड ऑफ पोछा और इसमें आपको इस तरीके से इसे फिक्स कर देना है और ये ऊपर से इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। यस, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और ये है नीचे इसका, है ना कितना सही। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो बकेट, इसमें आपको पानी डालना है, यहाँ पर आपको पानी डालना है और इसमें ना इस तरीके से आपको पानी डालने के बाद, पहले आपको पानी डालने के बाद पोछे को इस तरीके से इसमें भिगोना है और उसके बाद एक्सेस पानी को आपको इस तरीके से करना है। तो जब आप ऐसे करोगे तो सारा एक्सेस पानी जो है, ये हो क्यों नहीं रहा, तो ये एक्सेस पानी सारा ऐसे नहीं होता है, कैसे वो अंदर चला जाता है, घूमता है, क्योंकि आपने इसको लाज को नहीं खोला ना, वो तो अब वो ऐसे निकल आता है। उसके हाँ। बाद हम ऐसे कर सकते हैं तो सारा पानी जो एक्सेस पानी होता है वो निचोड़ जाएगा, तो फिर ये जो पोछा है वो ड्राई हो जाएगा और आप पूरे घर में आराम से लगा सकते हो। दिखाऊं ऐसे, लो पूरे से ठीक कर दूं इसको मैं, अरे फिक्स करो यहाँ पर, उसके बाद हम ऐसे ऐसे ऐसे। और ये इतनी अच्छी चीज आ गई कि मुझे लगता है कि अगर मेड नहीं भी आएगी तो मुझे अकेले को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में कोई भी इसको लगा सकता है। एक बार मुझे इसका समझ नहीं आया सिस्टम, ये किस चीज के लिए ऐसे करने के लिए, ये काम आएगा ये पता है, जब आप यहाँ से पानी लेते हो, जब इसमें डिप करते हो तो बहुत सारा पानी इसके अंदर भर जाता है, तो एक्सेस वाटर को ये इस तरीके से जब करते हो तो निकाल देता है एक्सेस वाटर को और ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद से इजीली आप ऐसे ऐसे पोछा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे पोछा लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप बंद कर दोगे, पहले तो आप इसे खोल दोगे ना, फिर इसे बंद कर दो तो क्या होगा, तो मैं बताती हूँ क्या, बंद कर दो है ना, बंद हो गया। अब हम इस लैच को बंद कर देंगे, अब इस लैच से वो खुलेगा नहीं जब हम ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो ये पोछा लगता है कशिश को काफी पसंद आया है, तो जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी तो कशिश काफी आराम से पोछा लगा सकती है पूरे घर में, एटलीस्ट अपने कमरे में ही लगा लिया करना। हाँ। मुझे काफी काम की चीज लग रही है, हाउस हेल्पर के ऊपर इतना डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज हो ना जो आपको काम आसान कर दे तो बेहतर रहता है। तो मुझे ये काफी पसंद आया। अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका जो लिंक है वो डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। मैंने ये अमेज़न से परचेज किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे घर के पास एक शादी हो रही है तो पूरे टाइम डैक बज रहा है और मैं कर रही हूँ डांस। डैक बजता है ना तो पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है, मेरे पैरों में ना खुद ही व्हील लग जाते हैं और मन करता है बस नाचती रहो। क्या हो गया, हम क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, खराश का कुछ इलाज। आप लोग भी सुनना क्या, तो बता क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड को ना उसको सर दर्द हो रहा था उसका, तो फिर मैं हम दोनों इधर आके बताओ, फिर हम दोनों मेडिकल रूम गए। हमारे स्कूल वाले पता है उसे क्या देते हैं, हमारे स्कूल वाले उसे हनी टस देते हैं और बोलते हैं हनी टस की गोली पकड़ा के कहते हैं कि ये लो तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा। तो मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे खड़े होते सोच रहे कि हनी टस से मैंने मतलब पहले सुना नहीं कभी, किसी का सर दर्द सही हो जाता है, ये कोई नया
की खराश जिससे ठीक होती है उससे सर। हाँ, तो हमने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है, मुझे लगा कि आप हनी टस गले खराश क्यों होती है। वो बोलती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे दवाई दे दो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं हम दवाई नहीं दे सकते क्योंकि हमें अलाउड नहीं है दवाई देना। तो फिर हम लोग सोचते थे मेडिकल रूम बना ही क्यों है अगर हम दवाई नहीं दे सकते, और या तो अगर बोलो कि ज्यादा दर्द हो रहा है सर में तो लेट जाओ या हनी टस खा लो। तो इन लोगों का जो डिनर है वो आ चुका है, और प्रशांत ने साथ में रुमाली रोटी मंगाई है ना। हाँ। रुमाली रोटी भी ऑर्डर करी थी, तो आप लोग सर्व कर लो। नहीं मुझे वो वाली है ना मेलामिन की, मेलामिन की प्लेट में कर लो नीचे वाले में। चावल मैंने बने रख दिए हैं। ठीक है, कशिश तो शाम को चावल खाने थे चिकन के साथ, लेकिन कशिश नहीं खाएगी, कशिश रुमाली रोटी ही खाएगी, तो उसका तो हो गया है। तो प्रशांत के लिए मैंने चावल बनाया, और मैं नहीं खा रही हूँ कुछ भी, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार। मैंने मॉर्निंग में खाना अच्छे से खा लिया था, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रात में ओट्स खा लूंगी। वैसे भी मैं रात में हल्की डाइट ही लेती हूँ। हाँ जी। लेकिन वीकेंड पे ऐसा नहीं करती मैं, वीकेंड पे बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ, क्रेजी पे दबा के खाती हूँ वीकेंड पे मैं दबा के खाती हूँ, ऐसा प्रशांत बोल रहे हैं, देख लीजिए। और क्या, खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खाती ही रहती हूँ। मेरा ये मोस्ट फेवरेट हो रहा है फेस वॉश, और ये है पॉन्ड्स का चारकोल फेस वॉश। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहा है। पिछले एक या दो वीक से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और मुझे काफी अच्छा फील भी होता है इससे फेस वॉश करने के बाद, एकदम नीट एंड क्लीन लगता है। हालांकि मैं रोटेट करती रहती हूँ, मैं एक ही फेस वॉश से हमेशा फेस वॉश नहीं करती, जब जो मेरा दिल होता है मैं उससे करना पसंद करती हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट मुझे काफी पसंद आए। इसके अलावा मैं ये पॉन्ड्स का एज मेरिकल वाला फेस वॉश भी यूज कर रही हूँ, और इसके अलावा जो मेरे फेवरेट फेस वॉश है उसमें से है ये बॉडी शॉप का ग्रीन टी फेस वॉश, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसके अलावा ये रूप मंत्रा के दो फेस वॉश हैं, और एक है लेमन और एक है नीम। तो ये मैं ज़्यादातर समर में यूज़ करती थी, इस टाइम मैंने इसे छोड़ दिया है। अभी मैं क्रीम बेस फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रीम बेस है तो थोड़ा मॉइस्चर लॉक रहता है फेस पर, एकदम ऐसा नहीं होता कि फेस वॉश किया और आपकी स्किन जो है ड्राई फील करने लगे, तो ये इस फेस वॉश में ऐसा फील नहीं होता। ये वाला जो पॉन्ड्स का फेस वॉश है ये तो आपको अपने नियर बाय किसी भी शॉप पर मिल जाएगा आराम से। अभी मैं ना सोनी टीवी पर एक नया सीरियल स्टार्ट हुआ है लेडीज स्पेशल करके, मैं वो देख रही हूँ। अच्छा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो चुकी है, अभी ऐसी बज रहे 11:30। प्रशांत अपना कुछ काम कर रहे हैं वर्किंग रूम में, और कशिश अभी थोड़ा स्टडी करेगी, हाफ एन आवर और करेगी, एंड देन उसके बाद वो सोती है। और मुझे सुबह 5:30 उठना होता है। कशिश को मैं थोड़ा लेट उठाती हूँ, वो स्कूल से आने के बाद नहाती है, तो उसे सुबह सुबह इतना जल्दी मैं नहीं उठाती, तो अपना 6:30 के अराउंड उठती है। तो
लेकिन मुझे 5:30 उठना होता है, तो मैं अभी सोने जा रही हूँ. अब मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तो बाय बाय एंड लव यू. कल के व्लॉग में मिलते हैं. गुड नाइट गाइज़.